दोस्तों यदि आपने एक्सेल में कोई भी डेटा यहाँ पे टाइप किया है, यानी कि कोई भी यहाँ पे नेम टाइप किया, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्लिश के मैंने यहाँ पे नेम टाइप किए हैं, ओके। यदि मैं इनको चाहता हूँ हिंदी में इसको कैसे कन्वर्ट करूँ, दोस्तों यदि आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से कन्वर्ट करते तो ऐसे आपको टाइम भी लगता है और आप जो भी आगे डेटा टाइप करते हो फिर आपको बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा एमएस एक्सेल की, जिसके माध्यम से आप एमएस एक्सेल में ही आप प्रॉपर तरीके से आप अपने किसी भी वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, ओके। आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, बस आपको ओनली एक वर्ड हिंदी में वो हिंदी में ट्रांसलेट करना और ऑटोमेटिक सारे वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे, फिर आपको बार बार कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे टाइपिंग करती यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे, ओके। यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन वाले ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से आप अपने एमएस एक्सेल में ही आप अपने हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इनको कर लेना सब टेक्स्ट को कॉपी, सारे को कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट को कॉपी यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और मैंने यहाँ पे कॉपी इसको कर लिया, ओके। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको तो कर देना मिनिमाइज और आपको जाना है यहाँ पे गूगल क्रोम में, ओके। मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट करते हैं, वीडियो को पॉज। तो मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे थोड़े टाइप में लिखना है, मुझे यहाँ पे सर्च में लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा गूगल सीट, देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल सीट, ओके। आपको इस तरीके से लिख लेना, देख सकते हैं इस प्रकार से, ओके, गूगल सीट्स। अब आपको इसको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने कई सारे वेबसाइट ओपन होके आएंगे, मैं आपको बताऊंगा आपको किस वेबसाइट के ऊपर रन करना है। तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है, ओके। तो देख सकते हो दोस्तों मेरे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दिया गूगल सीट सिंग इन, ओके। आपको इस तरीके से इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको आपको ओपन करना है। तो मेरे यहाँ पे ओपन हो रही, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये वेबसाइट मेरी ओपन हो रही है। तो देख सकते हो मेरी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ब्लैंक, इस तरीके से प्लस वाला, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका एमएस एक्सेल यहाँ पे ओपन होने लगेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है, बिल्कुल फॉर्मेट उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका ऑफलाइन में एमएस एक्सेल का सेटअप होता है, एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार से आप अपने ऑनलाइन पे यहाँ पे भी काम कर सकते हो यदि आपके पास यहाँ पे ऑफलाइन एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपने यहाँ पे कॉपी किया था वहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना कंट्रोल वी से, इस तरीके से। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सारे नेम मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। अब मैं चाहता हूँ इनको मैं हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इक्वल और आपको यहाँ पे लिखना है गूगल गूगल ट्रांसलेट, ओके। ये आ चुका है मेरे यहाँ पे, देख सकते हो गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, ओके, देख सकते हो मैंने यहाँ पे आ चुका है इक्वल गूगल ट्रांसलेट कॉमा। अब आपको क्या करना, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना जिस सेल पे आपका नेम लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे A2 पे मैं यहाँ पे नेम लिखा, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे अपने राहुल के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, ओके। देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे लगाना कॉमा इस तरीके से,
ओके आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगाना, तो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से, ओके डबल कॉमा लगाना। उसके बाद आपको यानी कि क्या चीज़ है आपकी इंग्लिश है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ से इंग्लिश टाइप करना है, इंग्लिश में आपको शॉर्ट में लिखना है ई एन, ओके इस तरीके से आपको यहाँ पे ई एन लिखना है। ई एन लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको डबल कॉमा लगा देना इस तरीके से, ओके डबल कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल कॉमा लगा देना है। सिंगल कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप डबल कॉमा द्वारा से लगाना इस तरीके से, और आपको क्या करना है यहाँ पे हिंदी लिख देना एच आई, ओके यानी कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंदी लिख दोगे, ओके हिंदी लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से डबल कॉमा द्वारा से लगा देना है, ओके डबल कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ से ब्रैकेट को द्वारा यहाँ से बंद कर देना है इस तरीके से, ओके जैसे आप यहाँ से बंद करेंगे बस आपको क्या करना है यहाँ से एंटर प्रेस कर देना। आप देख लीजिए इस तरीके का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला होगा, आप इसे नोट कर ले, ओके तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एंटर को प्रेस कर दूंगा इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे एंटर को प्रेस करूँगा देख सकते हो, थोड़ी वेट करेंगे और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे नेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लोडिंग हो रहा है देख सकते हो, लोडिंग हो रहा है देख सकते हो दोस्तों, मेरे यहाँ पे हिंदी में नेम कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना, बस मुझे एक ही कोड टाइप करना और मुझे यहाँ से क्या करना, अब मुझे यहाँ से ड्रॉ करके नीचे खींच देना है, ये बाकी के जो भी नेम है ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके नीचे खींचा तो बाकी के नेम मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुके हैं। लोडिंग चल रही है देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं राहुल मोहन सोहन राम राकेश श्याम रमेश सुरेश, ओके तो इस प्रकार से दोस्तों आप अब आपको कोई भी कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ से कोई भी नेम इस कॉलम में आप टाइप करोगे, यहाँ से लिस्ट में कोई भी नेम टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रोहन रोहन, ओके रोहन मैंने यहाँ पे टाइप किया और आपको क्या करना है से इस सुरेश वाले यहाँ पे कॉलम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है से इसको ड्रॉ कर देना इस तरीके से नीचे, ओके देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बस आपने ड्रॉ करना, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा, ओके देख सकते हो लोडिंग चल रही है, मेरे यहाँ पे देख सकते हो रोहन आ चुका है, ओके तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक्सेल में जल्दी से जल्दी हिंदी टाइपिंग को यूज कर सकते हो, ओके तो आई होप। और यदि आप हिंदी में जो भी आपका हिंदी में डेटा लिखा हुआ है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में क्या चेंजिंग करनी है, जो भी मैंने यहाँ पे ई एन पहले लिखा है ना, इंग्लिश पहले लिखा है उसको आपको यहाँ पे हिंदी लिख देना है, और आपको जो भी मैंने यहाँ पे पीछे हिंदी लिखा है उस जगह पे आपको इंग्लिश लिख देना है, ओके देख सकते हो जो मेरे यहाँ पे फॉर्मूला बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है, इसको आपको थोड़ा चेंजिंग कर लेना इस प्रकार से। तो ऐसे आप यहाँ पे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और आप यहाँ से पूरी सीट बना के और एक्सेल में ले जा सकते हो, और यहाँ पे यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हो कोई बात नहीं, यहाँ से सब कुछ कर सकते हो, पूरा हमारे यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ओके आप यहाँ से दिखाई दे रहे हो, आपको यहाँ से प्रिंट का साइन आपको दिखाई दे रहा, प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से सेव कर सकते हो, आपको यहाँ से जितने एक्सेल में होते हैं सारे यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ से फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मूला है, डाटा है, डेटा है, टूल्स है, एड ऑल्स है, हेल्प है, ओके इस प्रकार से आप देख सकते हो, फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट घटा सकते हो, तो इस प्रकार से जो दोस्तों आपको जो भी एक्सेल में फैसिलिटी मिलती है, आपको जो भी एक्सेल में आपके फीचर्स जो भी आपको मिलते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे एम एस एक्सेल के ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएंगे, ओके तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने इंग्लिश को हिंदी में इंग्लिश को यहाँ से कन्वर्ट, ओनली आपको वन एक बार आपको कन्वर्ट करना है, बस आपको जितनी भी लिस्ट बनानी है आप यहाँ से ड्रॉ करते जाइए, ऑटोमेटिक यहाँ से लिस्ट बन जाएगी, ओके तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने किसी भी एक्सेल में जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो, ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, आपको टेट ट्रिक कैसे लिख मुझे कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों, मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो लाता रहता हूँ, तो जैन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।